हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आपका इन्वेस्टमेंट्स। सबसे पहले तो हम हमेशा की तरह आपको थैंक यू कहना चाहेंगे कि हर बार हमारे और सब्सक्राइबर्स की फैमिली बढ़ती है और इस बार भी हमारी सब्सक्राइबर फैमिली बहुत ही अच्छी हो चुकी है। अब बात करते हैं आज ये वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। मैंने ज़्यादातर अपने कमेंट्स में देखा है कि आप लोगों को हमारे स्विंग ट्रेडिंग वीडियोज़ बहुत पसंद आ रहे हैं। आप डेफिनेटली इंट्राडे की स्ट्रैटेजीज़ को भी लाइक करते हैं, बट सबसे ज़्यादा आप मेरी स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज़ को लाइक करते हैं। तो आज का वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए स्विंग ट्रेडिंग पे ही बनाने वाला हूं। इस वीडियो में मैंने एक स्विंग ट्रेडिंग की जबरदस्त स्ट्रैटेजी का यूज किया है, जिसमें एक पावरफुल इंडिकेटर भी यूज किया है। तो ये स्ट्रैटेजी और ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। और हाँ, हमारे Instagram और Telegram चैनल्स को भी ज्वाइन कीजिए, बिकॉज वहां पर भी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे और एजुकेशनल कंटेंट्स को शेयर किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा, आज की स्ट्रैटेजी फिर से आपकी फेवरेट स्ट्रैटेजी है, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, जिसे आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। हाउसवाइफ्स भी कर सकती हैं, बिजनेस प्रोफेशनल्स भी कर सकते हैं, जॉब करने वाले भी कर सकते हैं, इवन दो स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको पूरा दिन मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको सिर्फ शाम को एक घंटा कोई भी स्टॉक को ढूंढना है और देखना है कि अगर हमारी कंडीशंस मैच होती है तो आप उसमें डेफिनेटली स्विंग ट्रेडिंग के सेटअप्स बना सकते हैं और इजीली 20-30% के रिटर्न्स भी कमा सकते हैं। तो मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को और दूसरे कोई भी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, आज ही कर लीजिए, क्योंकि मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेके आऊँ, बेस्ट से बेस्ट स्ट्रैटेजीज लेके आऊँ। तो चलिए देखते हैं आज की स्ट्रैटेजी में क्या खास है। जैसा कि मैंने कहा, आज की स्ट्रैटेजी एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, जहाँ पर हमें कुछ खास चीज़ों का ध्यान देना होगा। आज जो मैं चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये भी एक प्रोवन एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, लेकिन काफ़ी कम लोग इसे जानते हैं, क्योंकि ये जो इंडिकेटर है बहुत ही यूनिक इंडिकेटर है और स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो ये जो इंडिकेटर है, इसका नाम क्या है वो भी डेफिनेटली आपके साथ शेयर करेंगे, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि इसके साथ हमें और ऐसे कौन से पॉइंट पर ध्यान में रखना है जो कि हमारे एंट्री और एग्जिट दोनों में सपोर्ट करेगा। आप में से काफ़ी लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि सर, एंट्री तो मिल जाती है लेकिन एग्जिट कैसे करें। तो आज आपको वो भी मिलने वाला है कि अगर स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको एंट्री मिल गई तो अब आपको एग्जिट कैसे करना है, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो हमेशा की तरह मैं ये फिर से दोहराऊंगा कि एक नोटबुक और पेन लेकर बैठिए ताकि आप इसमें से कोई भी काम की चीज़ को मिस ना कर दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा। तो चलिए देखते हैं हमें क्या देखना है। सबसे पहले जो एक मेन क्वेश्चन आ जाता है कि सर, हम ऐसा कौन सा स्टॉक ढूंढें, क्योंकि अगर आप बढ़ते हुए स्टॉक को ढूंढते हो तो आपको हमेशा डर लगा रहता है कि यार ये काफ़ी बढ़ गया, ये नीचे ना आ जाए, और बहुत टूटते हुए स्टॉक के अंदर भी आपको समझ नहीं आता कि उसमें बाय का सेटअप बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। तो आज इस स्ट्रैटेजी के अंदर आपका वो क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा, क्योंकि आज हम एक बहुत ही यूनिक इंडिकेटर यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम शायद आपने सुना भी होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि 90% लोग तो इस इंडिकेटर के बारे में नहीं ही जानते हैं। तो इंडिकेटर का नाम है डॉनचिन चैनल। जी हाँ, यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त इंडिकेटर हम यूज़ कर रहे हैं, इसको डॉनचिन भी कहते हैं और काफ़ी लोग इसे डॉनचेन भी कहते हैं। ये एक चैनल होता है जिसके बीच में जनरली प्राइस रिवॉल्व करती है। ये डॉनचिन चैनल या डॉनचेन चैनल, ये बहुत ही एक यूनिक इंडिकेटर है। आपको ट्रेडिंग व्यू पे जाना है, इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और यहाँ पे लिखना है डॉनचेन। तो आप जैसे ही डॉनचेन चैनल्स पे आएंगे, इसे क्लिक करेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपको क्लिक करते ही वो इंडिकेटर ओपन हो जाएगा। आपको इंडिकेटर सेशन में जाना है और इंडिकेटर सेक्शन में जाके आपको लिखना है डॉनचेन चैनल। जैसे ही मैंने यहाँ डॉनचेन चैनल पर क्लिक किया तो आप देखिए एक डॉनचेन चैनल स्क्रीन यहाँ पर ओपन हो जाएगी और प्राइस इसके बीच में मूव करती हुई दिखाई देगी। काफ़ी लोगों ने बॉलिंगर बैंड भी देखा होगा, ये ऑलमोस्ट वैसा ही है लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा एडवांस है और कई गुना ज़्यादा पावरफुल भी है।
कैसे है, क्या है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले ये देखिए क्वालिटी कि प्राइस इस डोंचेन चैनल के बीच में ही रिवॉल्व करती है, ना प्राइस इसके बाहर जाती है, ना प्राइस इसमें ऊपर की साइड बाहर जाती है और ना ही प्राइस इसमें नीचे की साइड बाहर जाती है। प्राइस हमेशा इसके बीच में ही रिवॉल्व करती है। यही एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्राइटेरिया बन जाता है जो कि हमारे एंट्री और एग्जिट को स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। यहाँ पे बहुत काम की चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि ये डोंचेन चैनल लगा देने से ही सिर्फ आपको अच्छा सेटअप नहीं बनेगा। सबसे पहले हमें इसमें कुछ खास चीज़ों को ध्यान देना होगा कि इस डोंचेन को कैसे प्रॉपरली देखना है। मैं कोशिश करूँगा आज के ही वीडियो में इसे पूरा कवर कर लें, लेकिन नहीं भी होता क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो हम इसके लिए डेफिनेटली एक नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे जहाँ पर हम उसके स्टॉक के साथ के रिजल्ट्स को भी देखेंगे कि कैसे ये स्टॉक्स में अच्छे से काम करता है। आज हम इसे यूज़ करना सीखेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन के ऊपर डोंचेन चैनल को पुट किया हुआ है। स्क्रिप्ट का नाम है HDFC लाइव। हमें करना क्या है, हमें ऐसे टाइम का वेट करना है जब प्राइस डोंचेन के बॉर्डर्स पे आ जाए, लोअर बैंड पे। अगर लिखना है तो लिखिए, डोंचेन चैनल में हमें तीन बैंड्स मिलते हैं। एक होता है अपर बैंड, एक होता है मिडिल बैंड और एक होता है लोअर बैंड। तो हमारी जो खास कंडीशन क्या रहेगी कि वेट फॉर द प्राइस टू कम टू आर लोअर बैंड। हमें ऐसे टाइम का वेट करना है जब प्राइस लोअर बैंड पे आके रुके। जी हाँ, ये टाइम का हमें वेट करना है। जब भी प्राइस इसके बीच में चल रही है हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना है जो कि अपने लोअर बैंड पे आके रुके हों। अब लोअर बैंड पे आके रुक तो गए, अब ये हमने देख लिया कि वो लोअर बैंड को टच करके रखते हैं। हमने दोनों चीज़ों को नोट करना है, वो सिर्फ टच कर रहे हैं या रुक रहे हैं। रुकेंगे कैसे ये हम स्क्रीन पे देखते हैं कि देखिए प्राइस लोअर बैंड पे आ रही है। सिर्फ आने से काम नहीं चलेगा, हमें इसको यहाँ पर सस्टेन होने देना है। सस्टेन कब होगी, जब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि ये जो लोअर बैंड है डोंचेन चैनल का, अगर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो हमें ऐसे टाइम पर बाय का सेटअप नहीं बनाना है। हमें बाय का सेटअप कब बनाना है, जब ये डोंचेन चैनल कम्प्लीटली स्टेबल हो जाए, फ्लैट हो जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डोंचेन चैनल फ्लैट हो गया, फिर भी सरप्राइज तो टूट रही है, तो डेफिनेटली टूट रही है। हमने अभी ये वेट किया कि डोंचेन चैनल आकर फ्लैट हुआ, प्राइस आकर सस्टेन हुई या नहीं हुई। क्या मैंने आपसे बताया कि हमें यहाँ पे लेना चाहिए, यही जल्दबाजी हमें लॉस करवाती है। देखिए, कभी भी स्टॉक मार्केट में या कोई भी स्ट्रैटेजी में जल्दबाजी मत कीजिएगा, बिकॉज डिसिप्लिन ही है जो आपको पैसा बना के देगा। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि प्राइस ने यहाँ सस्टेन नहीं किया और प्राइस वापस से फॉल बैक हुई, फिर से डोंचेन चैनल डाउनवर्ड में गया, हमें डाउनवर्ड में टच कर रही है। उस टाइम का बिल्कुल अलर्ट होके वेट करना है और कोशिश करके ये देखना है कि जब तक वो फ्लैट ना हो तब तक कोई भी बाय का सेटअप नहीं करना है। यहाँ पर फ्लैट हो गया, यानी अब हमारे बाय के सेटअप की दूसरी कंडीशन भी डन हो गई। अब बाय कब करना है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमें बाय कब करना है, इसके लिए आपको मैं ये लाइन भी लिखवा देता हूँ, वी विल बाय ओनली व्हेन मिडिल बैंड इज क्रॉस्ड। यहाँ से जैसे ही ये डोंचेन चैनल अपने मिडिल बैंड को क्रॉस कर दे, यहाँ से हमारा बाय का ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे मिडिल बैंड में जब हाई था 486 का, हमने यहाँ पर अलर्ट होके बाय कर लिया और जैसे ही बाय किया देखिए प्राइस ने कितना बड़ा मूव दिया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है जो आपके स्विंग ट्रेडिंग में डेफिनेटली आपको स्ट्रॉन्ग मूव्स दे सकता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि मैं आप लोगों के साथ कितनी पावरफुल स्ट्रैटेजी शेयर करता हूँ, ये वाली स्ट्रैटेजी भी बहुत पावरफुल है। डेफिनेटली अभी आपने थोड़ा बहुत देखा है, आगे और भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक काम की चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा एक पेड चैनल भी है जहाँ पर हम
हम आप लोगों के साथ पोजिशनल और स्विंग कॉल्स को शेयर करते हैं। डेफिनेटली आप उसमें पार्ट बन सकते हैं। आपको एक नॉमिनल फीस देनी होगी, लेकिन मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, हमारी एक्यूरेसी 90-90% से भी ज़्यादा की है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। तो आज ही कॉल कीजिए 8460909037 पे और जानिए हमारे पेड प्रीमियम चैनल्स के बारे में। हमारे तीन अलग अलग चैनल्स चलते हैं। एक में हम पोजिशनल कॉल शेयर करते हैं, दूसरे में हम लोग ऑप्शंस के इंडेक्स ऑप्शंस के कॉल शेयर करते हैं जो कि प्योरली इंट्राडे होते हैं। उसमें भी मेरी स्ट्राइक रेट 90% से ज़्यादा है। और अगर आप कमोडिटीज़ में ट्रेड करते हैं तो हमारा MCX स्पेशल चैनल भी है, तो आप चाहें तो उसका भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्ज में हम ये सारी सर्विसेज देते हैं और बहुत प्राउड से कहते हैं कि हमारे क्लाइंट्स अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो आप लोग जैसे कि देख ही रहे हैं, आपके साथ अगर मैं इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी शेयर करता हूँ तो जब मैं खुद एनालिसिस करके आपको कॉल दूंगा तो कितने पावरफुल होंगे। और लाइफ टाइम मेंटरशिप तो है ही, आप कभी भी हमारे नंबर्स पे जान सकते हैं कि सर से मुझे सीखना है तो कॉल करके पूछ सकते हैं। आप उनसे चाहें तो मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मेरे साथ बात भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर से आ जाते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि यहाँ दूसरा क्या सेटअप बना। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, यहाँ बहुत ही पावरफुल मूव हमें दिखाई दिया। हमने यहाँ पर लॉन्ग पोजिशन को एग्जीक्यूट किया और देखिए स्टॉप लॉस क्या होगा। स्टॉप लॉस जो नियरेस्ट स्विंग लो है वही हमारा स्टॉप लॉस होगा। और अगर हमें प्रॉफिट्स को ट्रेल करना होता तो हमने सिर्फ और सिर्फ 5% की रिस्क लेके 42% तक का मूवमेंट कैप्चर किया होता। ये है पावरफुल स्ट्रैटेजी जिसे मैं कहता हूँ डॉन्चन स्ट्रैटेजी। यहाँ पर हमने बाय का सेटअप देख लिया, यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस का सेटअप देख लिया। लेकिन अब आपका जो मेन क्वेश्चन जो आप हमेशा पूछते हैं कि सर प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे, तो प्रॉफिट के लिए जनरली आपने नोटिस किया होगा मैं एक इंडिकेटर का यूज़ करता हूँ जिसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9। यहाँ पर आप उसे पुट कर लीजिए। अब हम इसे डिलीट करते हैं। तो जब तक अब प्राइस इस EMA 9 के नीचे क्लोज ना हो जाए, मैं EMA 9 को थिक कर देता हूँ। यहाँ पे इसे ग्रीन कलर कर रखा है मैंने, आप क्लियरली देखिए जब तक EMA 9 के नीचे प्राइस क्लोज ना हो हमें एग्जिट नहीं होना है। तो हमारा एग्जिट कहाँ बना, यहाँ पे बना। यहाँ पे जैसे ही हमने एग्जिट किया हमारा ट्रेड कंप्लीट हो गया। हमने 40% के अराउंड के रिटर्न्स निकाले सिर्फ 5% के स्टॉप लॉस से, बहुत ही ईजी इंडिकेटर को यूज़ करके। फिर से देखते हैं क्या यहाँ पे हमारा बाय बना, नहीं बना। बाय क्यों नहीं बना, बिकॉज यहां पर आप क्लियरली देखिए मैं इस 9 को हटा देता हूं, जब तक इसके ऊपर सस्टेन ना हो हमें बाय नहीं करना। हमने वेट किया, यहां से हमारा बाय का ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और बाय का ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, फिर से हमें बाय मिला, 9 को एग्जिट करवा दिया। यही कॉन्सेप्ट पे आपको हमेशा काम करना है। यहां पर फिर से प्राइस डाउन हुई, फिर से प्राइस फ्लैट हुई, लाइन बिल्कुल फ्लैट हो गई, यहां पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होना चाहिए। जैसे ही इस बीच वाले मिडिल बैंड के ऊपर प्राइस क्लोज करेगी हम बाय करेंगे। और यहां से मुझे नहीं पता, देखिए मैं आपके सामने स्क्रीन पे लाइव इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूं, यहां से हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। हम यहां पर लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा बहुत ही नॉमिनल 25 पॉइंट का, यानी 4% का। और टारगेट रहेगा जब तक ये हमें एग्जिट ना दे ऑन 9 EMA। 9 EMA को फिर से प्लॉट कर लेते हैं और 9 EMA में एग्जिट बना यहाँ पे, यानी ऑलमोस्ट हमने कवर किए 8%। जी हाँ, 8% पे हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, हमारा ट्रेड फिनिश हो गया। एक ही स्टॉक को पकड़ के रखिए, जब तक वो आपको इस तरीके से बाय के सेटअप्स देता रहे बाय करते रहिए। अब रही बात इसमें और बैक टेस्टिंग करने की और भी स्टॉक्स के साथ इसे एनालाइज करने की, तो अगला वीडियो मैं आप लोगों के लिए डेफिनेटली लेके आऊँगा जहाँ हम एक नहीं इसे 5 स्टॉक्स में एनालाइज करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सर यस अगले स्टॉक को एनालाइज करिए, तो आज आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है यस सर वी वांट मोर एनालिसिस, इसी इंडिकेटर पे हमें और भी आपके थ्रू देखना है। तो हम एक नहीं ऐसे 5 नहीं 10 स्टॉक अगले वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इसे बैक टेस्ट करेंगे। काफ़ी सारे स्टॉक्स के अंदर इसे देखें कि इसने अगर हमें रिटर्न्स दिए तो कितने रिटर्न दिए। यहां पर आप देख सकते हैं फिर से हमारा बाय का ट्रेड अप बना,
यहाँ आप देख सकते हैं फिर से हमारा बाय का ट्रेड सेटअप बना, यहाँ पे प्राइस स्टेबल हो गई, इसके ऊपर क्लोज हो गई, यहाँ पर हमने इसे बाय किया, स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे, बहुत ही नॉमिनल 33 पॉइंट्स का। अब रही बात एग्जिट कब करेंगे, जब तक हमारे 9 EMA को ये ब्रेक ना कर दे, हम 9 EMA को ऑन कर देते हैं, जब तक इसके ऊपर क्लोज ना दे तब तक हमें एग्जिट नहीं करना। और यहाँ पर देखिए हमें यहाँ एग्जिट मिला, हमने 5% की रिस्क ली, 5% का प्रॉफिट कमा लिया। काफ़ी बार प्रॉफिट कम भी होगा डेफिनेटली, लेकिन जब होगा तब छप्पर फाड़ के होगा। आपको कितना इजी स्ट्रैटेजी के साथ मैंने यहाँ पर चीज़ों को शेयर किया है, आप सिर्फ वो देखिए। फिर से प्राइस यहाँ पे फ्लैट हो गई, डॉन्चिंग चैनल का लोअर बैंड फ्लैट हो गया, प्राइस स्टेबल हो गई, हमारे ऑरेंज लाइन के ऊपर क्लोज हो गई, यहाँ फिर से हमारा बाय का सेटअप बनेगा, स्टॉप लॉस बहुत ही नॉमिनल रहेगा, इसके लो का 37 पॉइंट्स का। और देखिए हमें एग्जिट कब मिलता है, हमें एग्जिट मिलता है 37 पॉइंट्स पे ही। और अभी भी अगर हम कहें तो हमारा ये ट्रेड मार्केट में ओपन है, हम इस ट्रेड के अंदर बाय सेटअप के साथ अभी भी वेट कर रहे हैं। अब रही बात इसमें और बैक टेस्टिंग करने की, तो वो हम डेफिनेटली करेंगे हमारे अगले वीडियो में, और इसके कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, क्योंकि वो वीडियो अगर और इसके कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो कि हमें रेंज बाउंड मार्केट से बचा पाएंगे। रेंज बाउंड मार्केट में डेफिनेटली ज़्यादातर लोगों का पैसा चला जाता है, तो कुछ खास चीज़ें हैं जो कि हम अगर इसमें ऐड करें तो रेंज बाउंड मार्केट के मूवमेंट से हम बच सकते हैं। ट्रेंडिंग मार्केट में हर इंडिकेटर अच्छा पैसा कमा के देता है, लेकिन रेंज बाउंड मार्केट में पैसा चला जाता है, तो इनके साथ हमें कुछ और नई चीज़ें ऐड करनी होगी जिससे हम रेंज बाउंड मार्केट में भी बच सकें। आज का वीडियो इतना ही, और रही बात इसके सेकंड पार्ट की, तो डेफिनेटली वो आपको नेक्स्ट वीक मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर मुझसे और भी डिटेल में सीखना चाहते हैं, मुझसे लाइफ मेंटरशिप लेना चाहते हैं, जीवन भर का सपोर्ट चाहते हैं, तो आज ही कॉल कीजिए 8460909037 पे, और जानिए हमारे कोर्सेज के बारे में। और हाँ, हमारा एक पेड चैनल भी है जहाँ पर मैं स्विंग कॉल्स भी शेयर करता हूँ, और अलग चैनल है जहाँ पर इंडेक्स के ऑप्शंस के इंट्राडे कॉल शेयर करता हूं। अगर आप चाहते हैं कि उनका भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो आज ही कॉल कीजिए 8460909037 पे, और जानिए हमारी सभी सर्विसेज के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।